हाय यू गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं मीशो से लेके आई हूँ 8 कुर्ता सेट्स, जिसे आप इस करवा चौथ में, दशहरा, दुर्गा पूजा या दिवाली में इजीली स्टाइल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सुंदर वाले पीसेस हैं एंड अफोर्डेबल भी है, तो एक भी पीस को मिस मत करना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अप वी हैव दिस ब्यूटीफुल ऑरेंजिश एंड येलो वाला कॉम्बिनेशन का कुर्ता सेट। सो ये ना पिक्चर में कुछ ऐसा दिखाया था एंड जैसा दिखाया था वैसा ही रिसीव होता है। इसमें हमें रिसीव होता है ये कुर्ता, ये ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद दी कुर्ता। सो कुर्ता हमें रिसीव होता है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ते को ना ऐसे स्क्वायर नेक का पैटर्न मिल जाता है फ्रंट साइड पर एंड लॉन्ग स्लीव्स दिए हैं। स्लीव्स पर ना हमें ये सीक्वेंस वाली एंड गोटापट्टी की लेस की डिटेलिंग हमें मिल जाती है। एंड कुर्ते के फ्रंट एरिया पर की बात करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा ये हमें सीक्वेंस वाला पैटर्न देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सुंदर सा काम किया है पूरे सीक्वेंस का, गोल्डन कलर के सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का हमें काम मिल जाता है कुर्ते के पूरे फ्रंट साइड पर। एंड कुर्ते के नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड पर हमें ये लेस वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी लगी मुझे। देन कुर्ते की बैक साइड की बात करें तो कुर्ते की बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है, ओनली हमें ये पूरा बांधने वाली प्रिंट देखने को मिल जाती है। और सो कुर्ते के अंदर की साइड पर हमें लाइनिंग भी मिल जाती है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। ओवरऑल कुर्ता की लेंथ एंड कुर्ता की क्वालिटी एंड कुर्ता का फिट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। ये फ्रंट साइड का जो वी वाला जो पैटर्न है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है कुर्ते को। एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है। एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट मटेरियल में हमें रिसीव होता है ये। सो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये कुर्ती। देन इसके नीचे वियर करने के लिए हमें मिल जाती है ये ट्राउज़र। देन ट्राउज़र हमें मिल जाती है सिल्क प्लेन फैब्रिक मटेरियल में। इलास्टिकेटेड बैंड दिया है ट्राउज़र को एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउज़र। ओनली ट्राउज़र के नीचे की साइड पर हमें ये बॉर्डर का काम मिल जाता है, सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का काम दिया है गोल्डन कलर में नीचे की साइड पर। एंड प्लेन है, सिंपल सोबर सी ट्राउज़र है। इसकी लेंथ हाइट वगैरह भी अच्छी दी है। ट्राउजर को अंदर की साइड पर लाइनिंग वगैरह नहीं मिलती बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ओवरऑल ट्राउजर की हाइट वगैरह अच्छी है एंड कंफर्टेबल है। देन हमें मिल जाती है ये सुंदर सी दुपट्टा। सो दुपट्टा भी हमें सेम वही कलर कॉम्बिनेशन में रिसीव होती है। पूरे दुपट्टे पर हमें ये बांधनी की प्रिंट देखने को मिल जाती है एंड दुपट्टा के ऑल बॉर्डर्स पर ये सीक्वेंस की एंड गोटापट्टी की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है। अच्छी खासी स्टिच वगैरह करके हमें ये लेस की डिटेलिंग दी है। एंड ओवरऑल दुपट्टा की बात करें तो दुपट्टा की लेंथ एंड विड्थ भी अच्छी खासी मिल जाती है। और सो दुपट्टा भी हमें जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होता है। सो मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी भी होता है जॉर्जेट का दुपट्टा। सो ओवरऑल कुर्ता सेट की बात करें तो कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका कलर कॉम्बिनेशन एकदम फेस्टिव वाइब्स ही दे रहा है। आप इस करवा चौथ में वगैरह भी इसे बाय कर सकते हो। इसमें ना और एक कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, पर्पल पिंक, इसका कुछ शेड वाला ना कलर कॉम्बिनेशन दिया है इसमें, बट ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। सो इस कुर्ता सेट में ना एक ही साइज़ अवेलेबल है, एक्सेल। सो मैंने भी एक्सेल ही साइज़ की है। कुर्ता सेट की प्राइस की बात करें तो ये कुर्ता सेट मैंने बाय किया है 1456 रुपीस को। सो डेफिनेटली चेक दिस वन। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल पाउडर ब्लू कलर की कुर्ता सेट। सो ये कुर्ता सेट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी, जैसा कलर दिखाया था ना, वैसा ही एग्जैक्ट सेम टू सेम हमें कलर पैटर्न वगैरह सेम रिसीव होता है। सो इसमें भी हमें मिल जाती है ये कुर्ती, ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें मिल जाती है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में एंड राउंड नेक का पैटर्न मिल जाता है कुर्ती को एंड 3/4 स्लीव दिए है। स्लीव्स पर हमें ये गोटापट्टी की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है एंड कुर्ती की फ्रंट साइड पर ना बहुत ज़्यादा सुंदर सा नाजुक सा जरी का वर्क देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सुंदर सा एकदम नाजुक वाला काम किया है, गोल्डन कलर के थ्रेड में हमें ये काम मिल जाता है एंड इस पर ना सीक्वेंस का वगैरह भी काम दिया है। एकदम नाजुक सी, सिंपल सोबर सी डिज़ाइन दी है। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट सी डिज़ाइन लगी मुझे ये एंड अच्छी क्वालिटी की दी है, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले थे इसके। देन कुर्ती के नीचे की साइड की बात करें तो हमें ना पूरी कुर्ती पर ये वाले बुट्टा पैटर्न में जरी वर्क का काम मिल जाता है।
बहुत ज्यादा सुंदर से एकदम इलिगेंट सी कुर्ता सेट है ये। कुर्ती की बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है, इस पर कोई भी पैटर्न लेस का वर्क वगैरह नहीं मिलता। कुर्ती को ना लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। सो ओवरऑल कुर्ती की क्वालिटी, कुर्ती का फिट वगैरह एकदम प्यारा लगा मुझे एंड ये कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। देन इसके नीचे वियर करने के लिए हमें मिल जाती है ये ट्राउज़र। ट्राउज़र भी हमें सेम उसी कलर में मिल जाती है, पाउडर ब्लू, एंड ट्राउज़र का फैब्रिक मटेरियल भी हमें मिल जाता है कॉटन ब्लेंड ही। ट्राउज़र को ना हाफ इलास्टिकेटेड बैंड दिया है एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउज़र। इस पर भी कोई भी डिज़ाइन या जरदोजी वाला वर्क वगैरह हमें नहीं मिलता। देन ट्राउज़र के अंदर की साइड पर हमें लाइनिंग भी नहीं दी है, बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड प्लेन सिंपल सोबर से ट्राउज़र है। इसकी हाइट वगैरह भी अच्छी दी है एंड कंफर्टेबल है ट्राउज़र। देन ये पूरे कुर्ता सेट को और चार चांद लगाता है ये जरी वर्क की दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ज़्यादा सुंदर सी दी है। दुपट्टा भी हमें ना कॉटन ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होती है। पूरे दुपट्टे पर ये जरी का वर्क हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पूरे बॉर्डर वाला पैटर्न दिया है, जरी के बॉर्डर का पैटर्न मिल जाता है पूरे दुपट्टा पर। जरी वाले वर्क में ही हमें ये दुपट्टा की मिडल पोर्शन पर ना ये वाली बुट्टा की पैटर्न मिल जाती है एंड दुपट्टा के एंड्स पर ना ये वाली जरी की हमें डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा सुंदर सा दुपट्टा है, इसका कलर वगैरह भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिया है। अलसो दुपट्टे के चारों कॉर्नर पर हमें ये वाली टैसल्स की डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दुपट्टा की लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ हमें मिल जाती है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी है। एकदम सॉफ्ट से दुपट्टा है, सो इजीली मैनेजेबल भी होगी एंड पूरी कुर्ता सेट हमें सेम कलर में दिए है ना, पाउडर ब्लू वाले, तो बहुत ज़्यादा रिच वाली एकदम स्टाइलिश वाली लुक आ रही है इस कुर्ता सेट की। सो आप इस कुर्ता सेट को डेफिनेटली चेक कर, इसका कलर बहुत प्यारा है। इसमें आई थिंक आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड साइजेस ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक हम इसमें साइजेस दी है, मैंने स्मॉल साइज वेयर की है एंड इस कुर्ता सेट की प्राइस की बात करें तो ये कुर्ता सेट आपको अंडर 1000 रुपीज मिलता है। सो बहुत ही अच्छी डील है, आप इससे जल्दी से जाके ले लेना। देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल सी मरून कलर की सूट। सो ये सूट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। तो ये सूट ना एग्जैक्ट लिबास सूट की कॉपी है। इसमें भी हमें मिल जाती है ये कुर्ता, ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट। बहुत ज़्यादा सुंदर सी कलर आई है इस कुर्ता सेट की भी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें रिसीव होती है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में। यहाँ पर ऐसे राउंड नेक का पैटर्न मिल जाता है कुर्ती को एंड 3/4 स्लीव्स दिए हैं। स्लीव्स पर ना हमें ये वाली सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है। कुर्ती की फ्रंट साइड पर हमें एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस की काम देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला काम किया है इस पर एंड ये मरून पर गोल्डन वाला तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देन ऑल ओवर द कुर्ती हमें ना ये एम्ब्रॉयडरी के एंड सीक्वेंस के बुट्टा देखने को मिल जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा सुंदर से इसकी लुक आई है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी है। देन कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है, इस पर कोई भी डिज़ाइन या बुट्टा वाला पैटर्न वगैरह हमें नहीं मिलता। देन कुर्ती के अंदर की साइड पर ना हमें लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी दी है। बहुत ज़्यादा सुंदर लुक है इस कुर्ती की। इस मरून गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ओनली ये है कि पिक्चर में ना इसके स्लीव्स लॉन्ग दिखाए थे, बट इतने यहाँ तक लॉन्ग नहीं आते स्लीव्स, यहाँ तक आते हैं शायद। सो लॉन्ग देने चाहिए थे, लॉन्ग आते तो बहुत ज़्यादा और भी सुंदर लुक आता। सो इसके नीचे वियर करने के लिए हमें ये ट्राउज़र दी है। ट्राउज़र भी हमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में ही मिल जाती है। यहाँ पर इलास्टिकेटेड बैंड दिया है ट्राउज़र को एंड पूरी प्लेन भी है ट्राउज़र। ट्राउज़र को अंदर की साइड पर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं मिलती, बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अच्छी खासी हाइट वगैरह दी है एंड कंफर्टेबल है ट्राउज़र। देन इस पर हमें स्टाइल करने के लिए दिया है ये बनारसी वाला दुपट्टा। सो दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिया है, पूरा जरी वर्क का काम मिल जाता है दुपट्टे पर। ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर सा जरी वर्क का हमें ये फ्लावर्स वाला पैटर्न देखने को मिलता है पूरे दुपट्टे पर। दुपट्टे के ऑल साइड्स पर हमें ये गोल्डन कलर की बॉर्डर देखने को मिलती है एंड दुपट्टे के मिडल पोर्शन पर ये फ्लावर्स वाली वगैरह पैटर्न देखने को मिलती है।
पूरा जरी वर्क का काम दिया है एंड बहुत ज्यादा सुंदर है दुपट्टा। ऑल्सो दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पर हमें ये टैसल्स की डिटेलिंग देखने को मिलती है। एंड दुपट्टा की लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ मिल जाती है दुपट्टे की। सो सुंदर है दुपट्टा भी एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लुक है इसकी इस करवा चौथ के लिए, तो ये सूट परफेक्ट है, आप इसे डेफिनेटली चेक करना। और सो इसमें ना साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक, मैंने स्मॉल साइज वियर की है एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला था 1070 रुपीज का कुछ। सो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, आप इसे डेफिनेटली चेक कर सकते हो। देन वी हैव दिस टील ग्रीन कलर की कुर्ता सेट। सो ये कुर्ता सेट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। इसमें भी हमें कुर्ती, ट्राउजर एंड दुपट्टा का ही सेट मिल जाता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें मिल जाती है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ती को यहाँ पर राउंड नेक का पैटर्न दिया है एंड 3/4 स्लीव्स दिए है। स्लीव्स पर हमें ये एम्ब्रॉयडरी की कलरफुल वाली लेस की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। एंड कुर्ती के फ्रंट साइड पर ना बहुत ज़्यादा सुंदर सी नाजुक सी हमें ये वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया है एम्ब्रॉयडरी का वगैरह, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले थे इसके। पूरी कुर्ती हमें प्लेन ही दी है, कहीं पर भी हमें भुट्टा का लेस का वगैरह पैटर्न नहीं मिलता। कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड भी हमें ना सेम प्लेन ही दी है। कुर्ती के बैक साइड पर भी हमें किसी भी वर्क वगैरह का पैटर्न नहीं मिलता। कुर्ती को अंदर की साइड पर लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। सो एकदम सिंपल सोबर सी कुर्ती है ये एंड इसका कलर वगैरह बहुत प्यारा आया है एंड इसका लुक भी बहुत सुंदर आया है। एंड इसका फैब्रिक मटेरियल वगैरह की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक मटेरियल है एंड कंफर्टेबल है ये कुर्ती। फिर इसके नीचे हमें वियर करने के लिए मिल जाती है ये ट्राउज़र। सो ट्राउज़र भी हमें सेम टील ग्रीन कलर में ही दी है एंड ट्राउज़र का फैब्रिक मटेरियल की बात करें तो ट्राउज़र भी हमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होती है। ट्राउज़र को हाफ इलास्टिकेटेड बैंड दी है एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउजर। ट्राउजर पर हमें कुछ भी पैटर्न या एम्ब्रॉयडरी की लेस वगैरह नहीं देखने को मिलती। ऑल्सो ट्राउजर को अंदर की साइड पर लाइनिंग वगैरह भी नहीं दी है बट मटेरियल इज एन नॉट ट्रांसपेरेंट। ओवरऑल फैब्रिक क्वालिटी की वगैरह बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आई है इसकी भी एंड बहुत कंफर्टेबल है ट्राउजर भी। इसकी हाइट वगैरह भी एकदम प्रॉपर लगी मुझे। लेकिन इस पर वियर करने के लिए हमें मिल जाती है ये सुंदर सी दुपट्टा। तो दुपट्टा हमें मिल जाती है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में एंड पूरी दुपट्टे पर ना हमें ये फ्लावर्स वाली पैटर्न देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर ना दुपट्टे के दोनों साइड्स के बॉर्डर पर ना ये जरी वाली पैच वर्क की डिटेलिंग देखने को मिलती है। और दुपट्टा की विड्थ एंड लेंथ की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ देखने को मिलती है। सो इस दुपट्टा का फैब्रिक मटेरियल ना अच्छा सा सॉफ्ट सा दिया है, सो आप इस दुपट्टे को ना इजीली मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल इसकी लेंथ एंड विड्थ तो अच्छी खासी दी है एंड ये पैटर्न भी काफ़ी सुंदर लगी मुझे। सो ओवरऑल कुर्ता सेट की बात करें तो कुर्ता सेट का कलर वगैरह बहुत प्यारा है, इसका पैटर्न वगैरह भी बहुत ज़्यादा सुंदर सा एलिगेंट सा लगा मुझे एंड ये कलर भी एकदम फेस्टिव वाइब भी देता है ना। इसमें भी ना आपको कलर ऑप्शन मिलता है, इसमें शायद पैरेट ग्रीन एक कलर अवेलेबल है। और सो इसमें साइजेस भी अवेलेबल है स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक एंड इसमें ना मैंने स्मॉल साइज वियर की है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1010 रुपीज़ में मिल जाती है। सो डेफिनेटली चेक दिस वन ऑल्सो। देन वी हैव दिस रेड कलर की शरारा सेट। सो ये पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। सो इसमें भी हमें रिसीव होती है ये कुर्ती, ये ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें रिसीव होती है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ती को राउंड नेक का पैटर्न मिल जाता है फ्रंट साइड पर एंड 3/4 स्लीव्स दिए है। पूरे स्लीव्स पर ना हमें ये सीक्वेंस का एंड एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा सुंदर सा काम मिल जाता है गोल्डन कलर में। एंड पूरी कुर्ती की बात करें तो पूरी कुर्ती पर हमें ना ये एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स के ना बुट्टा पैटर्न में डिज़ाइन रिसीव होती है। एंड कुर्ती की नीचे की साइड पर ना हमें ये वाली बॉर्डर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सुंदर सा एकदम अच्छे से काम किया है एम्ब्रॉयडरी का एंड सीक्वेंस का भी। एंड रेड पर गोल्डन तो प्यारा ही लगता है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये वाली भी कुर्ती। देन कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड हमें पूरी प्लेन मिल जाती है एंड कुर्ती को अंदर की साइड पर लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। सो ओवरऑल कुर्ती की फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी दी है,
जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में कुर्ती दी है एंड अच्छी क्वालिटी की आई है, एकदम सॉफ्ट सा मटेरियल है इसका। लाइनिंग का मटेरियल भी एकदम सॉफ्ट सा दिया है, सो हमें चुपकी वगैरह नहीं है कुर्ती। एंड सीक्वेंस का वगैरह काम भी बहुत अच्छे से किया है, ये हैंड्स पर का काम वगैरह एकदम सुंदर सा लग रहा है यहाँ पर आता है, सो एकदम डिजाइनर सी लुक आती है इसकी भी। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती। इसके नीचे हमें वेयर करने के लिए मिल जाती है ये शरारा वाली पैंट। सो ये पैंट भी हमें रिसीव होती है जॉर्ज फैब्रिक मटेरियल में ही। इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दी है ट्राउजर को एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउजर। एंड ट्राउजर ये ऐसे फ्लेयर्ड या शरारा हम इसे कह सकते हैं, ऐसे फ्लेयर्ड वाली हमें बॉटम वेयर रिसीव होती है। और सो जॉर्जेट मटेरियल है ना, सो हमें इसके अंदर की साइड पर ये लाइनिंग भी देखने को मिलती है। लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी की दी है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर सी फ्लोई सी ट्राउजर है। एंड इसकी क्वालिटी वगैरह भी एकदम बढ़िया आई है एंड इसका लुक वगैरह भी एकदम सुंदर सा फ्लोवी वाला लगा मुझे एंड इसकी हाइट वगैरह भी अच्छी दी है। देन इस पर हमें बियर करने के लिए दी है ये सुंदर सी दुपट्टा। सो दुपट्टा भी हमें रिसीव होती है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में ही एंड पूरी दुपट्टा पर हमें ये वाले सीक्वेंस के एंड एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स के बुट्टा पैटर्न में ये डिज़ाइन देखने को मिलती है। दुपट्टा की ऑल बॉर्डर्स पर ये सीक्वेंस की एंड एम्ब्रॉयडरी की कटआउट पैटर्न में ना लेस देखने को मिल जाती है। अच्छा काम क्या है सीक्वेंस का भी अच्छे से, एकदम स्टिच वगैरह भी एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया है। देन ऑल ओवर दुपट्टा हमें यही वाली लेस देखने को मिलती है दुपट्टे के ऑल बॉर्डर्स पर। दुपट्टा की लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ देखने को मिलती है हमें दुपट्टा की भी। बहुत ज़्यादा सुंदर से दुपट्टा भी है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी भी दी है एंड जॉर्जेट की दुपट्टा है तो एकदम ईजिली मैनेजेबल भी है। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कुर्ता सेट। इसकी क्वालिटी, फैब्रिक मटेरियल, इसका पूरा लुक बहुत अच्छा आया है एंड इसका कलर भी एकदम फेस्टिवल वाला ही है। सो आप इसे करवा चौथ में वगैरह भी इसे डेफिनेटली स्टाइल कर सकती हो। इसमें साइजेस ऑप्शन भी अवेलेबल है मीडियम से लेकर डबल एक्सएल तक। सो मैंने मीडियम साइज वेयर की थी इसमें एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1300 रुपीज तक ये आपको मिल जाती है। सो चेक दिस वन। एंड पिंक कलर को हम कैसे मिस कर सकते हैं, एक तो पिंक कलर की सूट चाहिए ना। सो ये सूट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। इसमें भी हमें मिल जाती है ये कुर्ती, ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें रिसीव होती है कॉटन सिल्क फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ती को राउंड नेक का पैटर्न दिया है फ्रंट साइड पर एंड 3/4 स्लीव्स देखने को मिलते हैं एंड स्लीव्स पर ना बहुत सुंदर सा सीक्वेंस का एंड एम्ब्रॉयडरी की लेस की हमें डिटेलिंग देखने को मिलती है। एंड कुर्ती की फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर भी हमें ये गोल्डन कलर में सीक्वेंस का एंड एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न देखने को मिल जाता है। कुर्ती की नीचे की साइड की बात करें तो पूरी कुर्ती पर हमें ये एम्ब्रॉयडरी के एंड सीक्वेंस के टिकली वर्क वाले पैटर्न में ना ये वाले बुट्टा पैटर्न रिसीव होते हैं एंड कुर्ती के एंड्स पर हमें ये सीक्वेंस के टिकली वर्क की एंड एम्ब्रॉयडरी की बॉर्डर देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की दी है, एकदम अच्छे से इसका स्टिच वगैरह किया है, इसका टिकलीज वगैरह। एंड कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है। ओनली कुर्ती के बैक साइड के एंडिंग बॉर्डर्स पर ना हमें वही सेम लेस वाली पैटर्न देखने को मिल जाती है। देन कुर्ती के अंदर की साइड पर ना हमें लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। ओवरऑल इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी दी है, एकदम शाइनी सा वगैरह इसका फैब्रिक का लुक है एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिया है। और सो ये कंफर्टेबल है कुर्ती एंड इसकी हाइट वगैरह भी अच्छी दी है। देन इसके नीचे हमें वियर करने के लिए मिल जाती है ये प्लाजो पैंट। सो प्लाजो भी हमें ना कॉटन सिल्क फैब्रिक मटेरियल में ही मिल जाती है। प्लाजो को यहाँ पर ये इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड का पैटर्न मिल जाता है एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउजर। ओनली ट्राउजर की एंडिंग बॉर्डर्स पर ना हमें वही टिकली वर्क वाली सीक्वेंस की एंड एम्ब्रॉयडरी की लेस देखने को मिल जाती है। ट्राउजर को भी ना अंदर की साइड पर हमें लाइनिंग प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छा सॉफ्ट सा दिया है। सो हमें टिकली वगैरह नहीं चुभेंगे, तो एकदम कंफर्टेबल है ये ट्राउजर एंड इसकी हाइट वगैरह भी एकदम प्रॉपर लगी मुझे। देन इस पर वियर करने के लिए हमें दी है ये कॉन्ट्रास्ट में ये सुंदर सी मरून कलर की दुपट्टा। सो ये दुपट्टा भी हमें ना कॉटन सिल्क फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होती है। पूरी दुपट्टे पर हमें ये बीड्स वाली पैटर्न देखने को मिलती है एंड दुपट्टे के ऑल बॉर्डर्स पर ना ये वाली सीक्वेंस की एंड टिकली वर्क की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है।
बहुत ज्यादा सुंदर से दुपट्टा है। ऑल ओवर द दुपट्टा हमें ये बीड्स का पैटर्न देखने को मिलेगा एंड दुपट्टा की लेंथ विड्थ भी अच्छी खासी दी है। बहुत ज़्यादा सुंदर से दुपट्टा है ये एंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी दी है, एकदम इजीली मैनेजेबल है तथा इसका कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था। मैंने इस कलर कॉम्बिनेशन को कभी स्टाइल भी नहीं किया था तो मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसमें मैंने वियर की है मीडियम साइज़, इसमें भी आपको मीडियम से लेकर डबल एक्सएल तक साइजेस मिल जाते हैं एंड इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 1193 रुपीज़। सो चेक दिस वन। देन वी हैव दिस पैरेट ग्रीन कलर की कुर्ता सेट। सो ये कुर्ता सेट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। सो इसमें भी हमें मिल जाती है ये ट्राउज़र, ये दुपट्टा एंड ये कुर्ता का सेट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ता। सो कुर्ता हमें मिल जाता है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ती को फ्रंट साइड पर ना ऐसे लीफ शेप की पैटर्न दी है एंड 3/4 स्लीव दिए है। स्लीव्स पर हमें ये वाली जो है ना गोटा पट्टी की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है एंड कुर्ती की फ्रंट साइड की जो नेक है ना उस पर बहुत ज़्यादा सुंदर सी एंड नाजुक सी हमें ये बॉर्डर देखने को मिलती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर दिया है। ग्रीन एंड सिल्वर कलर के धागे में हमें ये वाली डिटेलिंग देखने को मिलती है एंड ये कलर काफ़ी सूट हो रहे हैं ना पैरेट ग्रीन पर, एकदम अच्छे से इसका लुक भी आ रहा है। ऑल ओवर द कुर्ती हमें ये कुंदन वाले एंड एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स की बुट्टा पैटर्न में ना डिटेलिंग देखने को मिलती है। एकदम छोटे छोटे से क्यूट से हमें ये फ्लावर की डिटेलिंग देखने को मिलती है बुट्टा पैटर्न में। ऑल ओवर द कुर्ती एकदम अच्छी क्वालिटी की कुर्ती आई है। कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है, कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन लेस का पैटर्न वगैरह हमें नहीं मिलता एंड कुर्ती के अंदर की साइड पर हमें लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। एकदम सुंदर सी पैरिसी कुर्ती है, एकदम सिंपल सोबर सी सुंदर सी कुर्ती है। इसकी डिज़ाइन, इसका वर्क वगैरह भी एकदम नाजुक काम किया हुआ है एंड इस पर काम वगैरह भी ना एकदम सुंदर सा नाजुक सा किया है। सो बहुत ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है इस कुर्ती को, एकदम प्यारी है ये कुर्ती। इसके नीचे वेयर करने के लिए हमें मिल जाती है ट्राउज़र भी, हमें कॉटन ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होती है। ट्राउज़र को हाफ इलास्टिकेटेड बेस बैंड दिया है एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउज़र। ट्राउज़र पर कोई भी लेस पैटर्न बॉर्डर वगैरह हमें नहीं मिलती और सो ट्राउज़र को अंदर की साइड पर लाइनिंग भी प्रोवाइड नहीं की है बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट और इसकी हाइट वगैरह अच्छी दी है एंड कंफर्टेबल है ट्राउज़र। देन इसके ऊपर हमें वियर करने के लिए मिल जाती है ये सुंदर सी बनारसी जरी वर्क की दुपट्टा। सो दुपट्टा बहुत ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ज़्यादा प्यारी दी है। पूरे कुर्ता सेट का एकदम लुक ही चेंज होता है इस दुपट्टा वियर करने के बाद। सो दुपट्टा हमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में रिसीव होती है। पूरे दुपट्टे पर ना ये वाली जरी की बॉर्डर की डिटेलिंग देखने को मिलती है। ऑल ओवर द दुपट्टा हमें ये वाली पैटर्न देखने को मिलती है, एकदम अच्छे से काम वगैरह किया है इस पर जरी वर्क का एंड शाइनिंग वगैरह भी मिल जाती है इस पर। यहाँ पर ऐसे दुपट्टे के कॉर्नर्स पर ये वाली पैटर्न देखने को मिलती है, ये भी जरी वर्क में ही पैटर्न दी है एंड दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ भी दी है एंड इसका मटेरियल भी सॉफ्ट दिया है सो हम इसे ईजिली मैनेज भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल कुर्ता सेट की बात करें तो इस कुर्ता सेट का कलर वगैरह एकदम यूनिक सा सुंदर सा लगा मुझे एंड ये कलर आजकल ट्रेंड में भी है ना एंड ऑल्सो इस पर की जो डिज़ाइन वगैरह है ना जरी वर्क की डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी एंड बहुत ज़्यादा सुंदर सी नाजुक सी लगी मुझे इस कुर्ते पर की डिज़ाइन वगैरह। नेक का पैटर्न वगैरह भी एकदम अच्छा दिया है एंड मुझे लगा था ये कलर मेरे स्किन टोन पर सूट नहीं होगा बट बहुत अच्छे से सूट भी हो रहा था ना ये वाली कलर। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली भी कुर्ता सेट, इसका कलर पैटर्न क्वालिटी भी एकदम अच्छी वाली दी है। सो इसमें ना साइजेस भी अवेलेबल है स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक। मैंने इसमें स्मॉल साइज़ वियर की है एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1200 समथिंग में आपको मिल जाती है। सो चेक दिस वन आल्सो। देन लास्ट एंड बेस्ट वी हैव दिस मरून कलर की कुर्ता सेट। सो ये कुर्ता सेट पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। इसमें भी हमें ना ये भी एक 3-piece कुर्ता सेट ही है, इसमें हमें कुर्ती ट्राउजर एंड दुपट्टा का सेट मिल जाता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कुर्ती। सो कुर्ती हमें मिल जाती है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में। कुर्ती को राउंड नेक का पैटर्न दिया है फ्रंट साइड पर एंड 3/4 स्लीव दिए है। स्लीव पर कोई भी लेस का वगैरह पैटर्न हमें नहीं मिलता
ज्यादा प्लेन सी स्लीव्स दी है। एंड कुर्ती की फ्रंट साइड पर ये हमें बहुत ज्यादा सुंदर सी जरदोजी वाले वर्क की ना पैटर्न देखने को मिलती है गोल्डन कलर में, एंड वाइन पर गोल्डन एकदम अच्छे से उभर के भी आ रहा है। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सुंदर सी हमें ये पैटर्न दी है कुर्ती के बस्ट एरिया पर। एंड कुर्ती के नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड पर हमें ये सीक्वेंस के एंड एम्ब्रॉयडरी की बुट्टा पैटर्न देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो वर्क दिया है ना जरदोजी वाला एकदम अच्छी क्वालिटी का दिया है, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम वगैरह किया है, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले थे इसके, एकदम अच्छी क्वालिटी लगी इसकी। देन कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड हमें पूरी प्लेन दी है, पूरी प्लेन है, बैक साइड कुछ भी वर्क वगैरह नहीं मिलता। जैसे कुर्ती को ना अंदर की साइड पर ये लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग की मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी की दी है। ओवरऑल कुर्ती का फिट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दी है एंड ये वर्क वगैरह भी एकदम अच्छी क्वालिटी का दिया है एंड वाइन पर एकदम उभर के आ रहा है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये कुर्ती एंड कम्फर्टेबल भी है। देन इसके नीचे वेयर करने के लिए हमें मिल जाती है ये ट्राउजर, तो ट्राउजर भी हमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में ही रिसीव होती है। हाफ इलास्टिकेटेड बैंड दिया है ट्राउजर को एंड पूरी प्लेन दी है ट्राउजर, ऑल्सो ट्राउजर को अंदर की साइड पर लाइनिंग वगैरह नहीं दी है, बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। सो ओवरऑल इसकी हाइट वगैरह अच्छी दी है एंड कंफर्टेबल है ट्राउजर। एंड इसके ऊपर हमें वेयर करने के लिए कॉन्ट्रास्ट में दी है ये ब्लू कलर की दुपट्टा, एंड सच में ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन लग रही थी वाइन पर ब्लू, मैंने तो कभी सोच भी नहीं थी। सो दुपट्टा हमें मिल जाती है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मटेरियल में, दुपट्टे के ऑल साइड्स पर हमें ये जरी वर्क की बॉर्डर की डिटेलिंग देखने को मिलती है एंड दुपट्टे को ना ऑल ओवर द दुपट्टा हमें ये फ्लावर्स का वगैरह पैटर्न देखने को मिलता है एंड प्रिंटेड दी है ये फ्लावर वाली पैटर्न वगैरह। इसमें जो ये वाले गोल्डन वगैरह का काम दिख रहा है ना ये जरी का काम दिया है एंड जो फ्लावर्स वगैरह दी है ना वो प्रिंटेड दी है। ऑल्सो दुपट्टे के ऑल साइड्स पर हमें ये टैसल्स की डिटेलिंग देखने को मिलती है एंड दुपट्टा की लेंथ एंड विड्थ भी अच्छी खासी दी है, इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी दी है एंड मैनेजेबल भी है दुपट्टा। सो ओवरऑल इसकी लुक, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे एंड मुझे ये वाली कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें भी ना आपको साइजेस ऑप्शन दिए है स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक, मैंने इसमें स्मॉल साइज वेयर की है एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1000 rupees तक की आपको मिल जाती है। सो चेक दिस वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको ये 8 कुर्ता सेट्स का कलेक्शन पसंद आया होगा। आप इस कुर्ता सेट्स को इस आने वाले करवा चौथ में, दशहरा, दुर्गा पूजा या दिवाली फेस्टिवल्स में भी इजीली स्टाइल कर सकते हो। सो ऑल कुर्ता सेट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड इस कुर्ता सेट में आपको कौन सी वाली कुर्ता सेट ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय गाइज, हैप्पी फेस्टिवल्स।